पढ़ा है we know that integers form the bigger collection of numbers which contain whole numbers and negative numbers हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो integers हैं वो एक बहुत बड़ा collection बनाते हैं किसका numbers का और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एक तो whole numbers आ जाते हैं और दूसरा negative numbers आते हैं okay. स्टूडेंट्स तो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या है कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं नंबर्स का एक कलेक्शन जिसके अंदर होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आते हैं व्हाट अदर डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स होल नंबर्स और इंटीजर्स में और क्या क्या डिफरेंस आप, आपने खोजे हैं वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि होल uh, नंबर्स और इंटीजर्स में अदर डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं ओके इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स दे आर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में और इंटीजर्स के साथ में हम कुछ ऑपरेशंस भी लगाएंगे जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे क्या होते हैं बेसिक ऑपरेशंस होते हैं तो इंटीजर्स में हम उसको भी, उनको भी लगाएंगे और आ, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज वट वी हैव डन इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास पिछली क्लास में इंटीजर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा यानी कि क्लास 6th में आप सभी ने क्या पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले हम एक उसका एक रिव्यू कर लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेते हैं आगे देखिए आगे क्या है रिकॉल करते हैं अब हम रिकॉल मतलब याद करते हैं वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो कुछ इंटीजर्स नीचे नंबर लाइन पर मार्क किए गए हैं ये आपकी क्या है एक नंबर लाइन है ओके नंबर लाइन पर ये आपके कुछ पॉइंट्स आ गए हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इधर आपके कुछ नेगेटिव नंबर्स आ गए हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स तो ये आपकी क्या है एक नंबर लाइन है कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर मैंने क्या करा कुछ इंटीजर्स को मैंने क्या करा है मार्क करा है तो क्या इन ये जो मार्क्ड इंटीजर्स हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं तो देखिए जो मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को मार्क किया है वो क्या क्या है माइनस फाइव है माइनस वन है और थ्री है ठीक है तो इसको हमें क्या लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है माइनस फाइव हम चलेंगे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ सबसे पहले आएगा माइनस फाइव देन फिर क्या आएगा माइनस वन और फिर क्या आएगा थ्री इस तरीके से हम चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में आगे देखिए व्हाई डिड वी चूज माइनस फाइव एज द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हमने माइनस फाइव ही क्यों चूज किया ओके okay. तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि नंबर लाइन पर जब आप जीरो से आप लेफ्ट में चलते हैं तो आप लेफ़्ट पे जब आप चलेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या मिलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर्स ही मिलेंगे ठीक है जैसे हम माइनस फाइव और माइनस फ़ोर में कंपैरिजन करते हैं तो माइनस फोर यहाँ पर कैसा है बड़ा है किससे माइनस फाइव से तो माइनस फाइव कहाँ है माइनस फ़ोर के लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में जो भी नेगेटिव नंबर रह रहता है नंबर लाइन पर वो कैसा होता है स्मॉलेस्ट होता है तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस फाइव को स्मॉलेस्ट नंबर चूज किया कि माइनस फाइव लेफ्ट में है और माइनस फाइव के राइट right में जितने भी नंबर्स होंगे जो भी हम ले रहे हैं जैसे माइनस वन ले रहे हैं थ्री ले रहे हैं वो सभी कैसे होंगे ग्रेटेस्ट होंगे ओके okay, तो यहाँ पर माइनस वन माइनस फाइव से बड़ा होगा और थ्री माइनस वन से बड़ा होगा इसके बाद में एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी और उसमें हमने क्या करा कुछ इंटीज़र्स हैं जैसे फ़ोटीन एट और थ्री ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं इनको हमने क्या करा इस नंबर लाइन पर मार्क किया है जैसे इस नंबर लाइन पर ये रहा आपका फ़ोटीन उसके बाद जब आप उस नंबर लाइन पर लेफ़्ट में चलेंगे तो एट और फिर जब आप और लेफ़्ट में जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा ओके okay. तो इस तरीके से हमने क्या करा इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर मार्क किया देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन है नंबर लाइन पर हमने ये कुछ नेगेटिव नंबर्स पहले मार्क किए माइनस टू माइनस वन फिर जीरो फिर यहाँ कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं वन टू एंड थ्री तो इसमें हमने क्या करा है जैसे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर मैं उसे जीरो में ऐड करूं तो आपको कहाँ चलना पड़ेगा नंबर लाइन पर राइट right में चलना पड़ेगा तो जैसे जीरो प्लस टू है तो जीरो प्लस टू किसके बराबर आएगा टू के बराबर आएगा तो पहले आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे फिर आप वन पे जाएंगे वन से फिर आप टू पे जाएंगे तो आप राइट right में जा रहे हैं ओके okay. उसके बाद में एक नंबर लाइन और ड्रॉ करी मैंने इसमें भी मैंने नेगेटिव नंबर्स शो करे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और फिर मैंने ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स शो करे हैं वन टू एंड थ्री इसमें भी मैंने क्या करा है अगर मैं कोई नेगेटिव इंटीज़र लूँगा अगर मैं उसे ज़ीरो में ऐड करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव इंटीज़र ही रिजल्ट आएगा मेरा तो मैं कहाँ चलूँगा नंबर लाइन पर लेफ़्ट में चलूंगा तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और इसमें मैंने माइनस टू को ऐड कर दिया तो यानि कि वन पहले आप माइनस वन पर पहुँचेंगे और उसके बाद अगली जंप लेकर आप कहाँ पहुँच जाएंगे माइनस टू पर पहुँच जाएंगे तो आप नंबर लाइन पर लेफ़्ट में चलेंगे इसी तरीके से अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को जीरो में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा नेगेटिव uh, इंटीजर ही आएगा जैसे जीरो माइनस वन है तो माइनस वन आएगा और माइनस वन के लिए मुझे जीरो से माइनस वन की तरफ जाना पड़ेगा लेफ्ट में चलना पड़ेगा और उसके बाद अगर मैं जीरो में से टू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जीरो माइनस टू अगर मैंने करा तो माइनस टू आ जाएगा यानी कि मैं पहले जीरो से माइनस वन पे जाऊंगा और फिर माइनस वन से माइनस टू की तरफ जाऊंगा इसलिए ये पता लगा सकते हैं आप कि अगर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो में से तो आप नंबर लाइन पर कहाँ चलेंगे लेफ्ट में चलेंगे इसी तरीके से आप किसी नेगेटिव इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जीरो में से तो आपको नंबर लाइन पर कहाँ चलना पड़ेगा राइट right में चलना पड़ेगा जैसे जीरो माइनस माइनस वन तो क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन यानि की वन तो आप जीरो से वन की तरफ गए यानी कि राइट में चले इसी तरीके से जीरो माइनस माइनस टू यानी फिर आप वन से टू की तरफ गए तो आप राइट right में चल रहे हैं नंबर लाइन पर इज इट क्लियर ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं एक कुछ यहां पर स्टेटमेंट्स भी हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें यह बताना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं और अगर आपको क्या करना है करेक्ट करना है उन स्टेटमेंट्स को जो कि रॉन्ग दिए हुए हैं जो गलत है तो उन उन स्टेटमेंट्स को आपको सही भी करना है जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है वैन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो यहाँ दो इंटीजर्स लेकर के देखिए आप ए इज इक्वल टू फाइव है और बी इज इक्वल टू सिक्स है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो फाइव प्लस सिक्स क्या आएगा इलेवन यस इट इज पॉजिटिव इंटीज़र तो रिजल्ट में क्या आ रहा है पॉजिटिव इंटीज़र आ रहा है यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा अगला स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट आ पॉजिटिव इंटीज़र जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं करेंगे एड करेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा तो ए की वैल्यू तो दे रखी है माइनस फोर बी की वैल्यू दी हुई है माइनस थ्री और जब हम इन दोनों को नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा क्या ये स्टेटमेंट सही है देखिए माइनस फोर प्लस माइनस थ्री ये दोनों नेगेटिव इंटीज़र हैं इनको मैंने ऐड कर दिया तो माइनस फोर माइनस थ्री क्या आ जाएगा माइनस सेवन तो क्या आ रहा है रिजल्ट आपका नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा थर्ड देखिए व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर इनको एड करेंगे क्या हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलेगा तो ए की वैल्यू तो दे रखी है फाइव बी की वैल्यू दी हुई है माइनस फोर तो फाइव प्लस माइनस फोर यानी कि फाइव माइनस फोर क्या आ जाएगा वन तो ये तो आ रहा है आपका पॉजिटिव इंटीजर ओके तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा अब आप स्टूडेंट्स ये वाला स्टेटमेंट देखिए जैसे ये दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर एट इज माइनस माइनस एट कि एक इंटीजर है आपका एट उसका एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस एट और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एट माइनस एट का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा एट हो जाएगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है ट्रू है फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए फॉर सब्ट्रेक्शन एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बींग्रैक्टिड टू द अदर इंटीजर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं एडिटिव इन्वर्स को किसी इंटीजर में एड करते हैं दैट इज बींग सब्ट्रैक्टिड टू द अदर इंटीजर जिसको हम क्या करते हैं किसी दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या है सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन एडिशन का जस्ट अपोजिट है उल्टा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या है माइनस टेन प्लस थ्री ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी माइनस सेवन इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए टेन माइनस क्या आ जाएगा सेवन ओके okay. तो माइनस सेवन इज नॉट इक्वल टू सेवन तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा लास्ट स्टेटमेंट देखिए सेवन एट प्लस माइनस सेवन माइनस माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू एट प्लस सेवन माइनस फोर तो राइट हैंड साइड क्या है एट माइनस सेवन हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं एट प्लस सेवन माइनस फोर एट प्लस सेवन क्या हो जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फोर क्या होगा इलेवन फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड देखिए एट प्लस माइनस सेवन क्या हो जाएगा एट माइनस सेवन माइनस माइनस फोर यानी कि प्लस फोर तो एट माइनस सेवन क्या हो जाएगा वन वन प्लस फोर क्या हो जाएगा फाइव और फाइव इज नॉट इक्ल टू इलेवन इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा